ज्वालामुखी पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ अत्यंत ही ज्वलंत और गतिमान स्थान जो जाने जाते हैं अपनी उच्च ऊर्जा और भूतापीय गतिविधियों के लिए। इतिहास में जब जब इनमें विस्फोट हुआ है तब तब मानव जाति ने इनकी विनाशकारी शक्ति को अनुभव किया है और यही कारण है कि आज हम इनके प्रति सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और इनकी छाया में रहते हुए भी सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। क्या पता कब इनमें फिर से विस्फोट हो जाए। इस एपिसोड में आगे हम जानेंगे ज्वालामुखी वास्तव में क्या होते हैं, क्यों इनमें विस्फोट होते हैं, पर्यावरण पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, पायरोक्लास्टिक बहाव क्या होता है और क्यों ये इतना खतरनाक होता है। साथ ही साथ जानेंगे सुपर वॉल्केनो या महाज्वालामुखी क्या होते हैं और अगर कभी निकट भविष्य में इनमें विस्फोट हुआ तब जीवन पर इनका कितना व्यापक असर हमें देखने को मिलेगा। और आखिर में जानेंगे कि किस तरह एक सुपर वॉल्केनो इरप्शन पृथ्वी को एक बार फिर से हिमयुग की सफेद चादर में ढकने की क्षमता रखता है। इन सभी रोचक और मनोरंजक जानकारियों को जानने के लिए बने रहिए इस एपिसोड के अंत तक। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे भी नए एपिसोड के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये एपिसोड कुछ बेहद ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ। मैं हूँ गरिमा कौठेकर और आप देख रहे हैं सुपर वॉल्केनो एन इनसाइड स्टोरी। हमारी पृथ्वी बाहर से जितनी शांत दिखाई देती है वास्तव में अंदर से उतनी ही सक्रिय और गतिमान होती है। और जो परम शक्तियां इस पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक जीव को गतिमान और सजीव बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है उनमें से एक प्रचंड शक्ति है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी सामान्यतः पृथ्वी की सतह से उभरी हुई कोन या फिर शंकु के आकार की संरचनाएं होती हैं, जो कि कई आंतरिक पाइप से मिलकर बनी होती है जो गहराई में स्थित मैग्मा चैम्बर से जुड़े होते हैं और जो बाद में मुख्य वेंट से जुड़कर क्रेटर का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा विस्फोट के दौरान सतह पर लावा, राख, पत्थर और अन्य ज्वालामुखी पदार्थों का उत्सर्जन होता है। जिन ज्वालामुखियों में काफी समय से विस्फोट नहीं हुआ हो उन्हें डॉर्मेंट या सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। और यदि किसी ज्वालामुखी विस्फोट का उल्लेख पिछली कई सदियों में भी ना मिलता हो तो ऐसे ज्वालामुखियों को विलुप्त या एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखियों को पृथ्वी के एक सुरक्षा वॉल्व के रूप में भी समझा जा सकता है, जो कि अति उच्च भूगर्भीय दबाव को नियमित विस्फोटों के द्वारा नियंत्रित करते रहते हैं। हालांकि वैज्ञानिक इनकी प्रत्येक गतिविधियों पर दृष्टि तो रखते हैं पर फिर भी इनमें विस्फोट कब होगा इसकी सटीक भविष्यवाणी कर पाना आज भी उनके लिए संभव नहीं है। पृथ्वी पर ज्वालामुखियों की उत्पत्ति वहां होती है जहां टेक्टोनिक प्लेट्स रगड़ खाती हुई या तो आपस में टकराती है या फिर एक दूसरे से दूर होती जाती है। और इस अति उच्च घर्षण और दबाव के फलस्वरूप चट्टाने पिघल जाती हैं और घर्षण वाले स्थान के पास ही जमा होने लगती हैं। इस स्थान को मैग्मा चैम्बर कहा जाता है। आइए समझते हैं
मैग्मा आखिर होता क्या है? दरअसल पृथ्वी की गहराई में अत्यधिक तापमान के चलते मेंटल में उपस्थित चट्टानें पिघल जाती हैं और एक गाढ़े और बहावदार पदार्थ में बदल जाती है। इन्हीं पिघली हुई चट्टानों को पृथ्वी के अंदर मैग्मा और सतह पर लावा कहा जाता है। चट्टानों के पिघलने के परिणाम स्वरूप कई अन्य गैसें भी बुलबुलों के रूप में रिलीज होती हैं, जिनके कारण मैग्मा चैम्बर का दबाव लगातार बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे मैग्मा चैम्बर में दबाव बढ़ता है, पिघला हुआ मैग्मा ऊपर की तरफ उठता है और विस्फोट के साथ पृथ्वी के क्रस्ट को भेदता हुआ लावा के रूप में सतह पर आ जाता है। इसे ही साधारणतः ज्वालामुखी विस्फोट या वॉल्केनिक इरप्शन कहा जाता है। दरअसल ज्वालामुखी विस्फोटों के भी कई प्रकार होते हैं और यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान लावा का उत्सर्जन हो, जैसे कि फ्रियेटिक विस्फोट जिसमें लावा का उत्सर्जन नहीं होता बल्कि किसी भूगर्भीय जल स्रोत के मैग्मा के संपर्क में आने से उच्च दबाव के साथ भाप का उत्सर्जन होता है, जो अपने साथ राख, पानी और अन्य चट्टानी टुकड़े भी सतह पर ले आती है। इसके अतिरिक्त रायोलाइट फ्लो और बेसाल्ट फ्लो उन विस्फोटों को कहा जाता है जिनके फलस्वरूप क्रमशः हाई सिलिका लावा और हाई मैग्नीशियम आयरन युक्त लावा उत्सर्जित होता है। इसी प्रकार पायरोक्लास्टिक फ्लो, लहर और कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन ऐसे ही कुछ अन्य ज्वालामुखीय विस्फोटों के प्रकार होते हैं। साधारणतः जब कोई वॉल्केनिक इरप्शन या ज्वालामुखीय विस्फोट होता है, तब कई टन राख, पत्थर, भाप, पिघली चट्टानें, सल्फर डाइऑक्साइड और कई अन्य गर्म गैसें पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित होती हैं। ये गर्म गैसें और अति तप्त ज्वालामुखी राख ऊपर उठकर वायुमंडल में मिल जाती है और हवा के बहाव के अनुसार विस्थापित हो जाती है। परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में ये गर्म गैसें और अति तप्त राख ज्वालामुखी ढलान से बहाव के रूप में इसके तराई वाले भाग की ओर तेजी से बढ़ती है। इसे ही पायरोक्लास्टिक बहाव कहा जाता है और यह विनाशकारी बहाव मार्ग में आने वाली प्रत्येक वस्तु को जलाते हुए ज्वालामुखी राख से ढक देता है। पायरोक्लास्टिक बहाव को बेहद ही खतरनाक और विनाशकारी माना जाता है, जो दरअसल सुपर हॉट गैसेस, राख और अन्य ज्वालामुखीय पदार्थों से मिलकर बना होता है और यह धुएं का एवलांच लगभग 100 से 700 किलोमीटर प्रति घंटे की तीव्र रफ्तार से ज्वालामुखी ढलान से नीचे की तरफ बहता है, जिससे बच पाना बेहद ही मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि प्रत्येक ज्वालामुखी विस्फोट में ये बहाव होता है, बल्कि कुछ विशेष परिस्थितियों में ही ये उत्पन्न होता है, जैसे विस्फोट के दौरान ज्वालामुखी के कोन का डैमेज हो जाना इसके मुख्य कारणों में से एक होता है। चलिए समझते हैं किस तरह ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी के वातावरण पर अपना प्रभाव डालते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट पर्यावरण के लिए बेहद ही हानिकारक हो सकते हैं, खासकर उन कई जहरीली गैसों के कारण जो पायरोक्लास्टिक पदार्थों में मौजूद होती है। इसमें आमतौर पर मुख्य रूप से जलवाष्प होती है, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस भी होती है। ज्वालामुखीय राख में पाए जाने वाली अन्य गैसें हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और
वाष्पशील धातु क्लोराइड होते हैं। ज्वालामुखियों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राकृतिक रूप से ग्रीनहाउस प्रभाव को बढ़ाती है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी होती है और जिसके परिणाम स्वरूप पोलर आइस कैप्स के सिकुड़ने की दर में वृद्धि होती है। वहीं दूसरी ओर सल्फर डाइऑक्साइड गैस अन्य पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बनती है, क्योंकि यह गैस स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में उपस्थित जलवाष्प के संपर्क में आकर सल्फ्यूरिक एसिड में परिवर्तित हो जाती है, जो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है। इसके अलावा इस गैस के कारण सल्फेट एरोसॉल भी बनते हैं, जो सौर विकिरण को परावर्तित करते हैं और गर्मी को अवशोषित करते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान कुछ कम भी हो सकता है। इसके साथ ही साथ सल्फेट एरोसॉल कुछ अन्य रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भी भाग लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे हानिकारक तत्वों का निर्माण होता है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। अब तक आपने ये तो समझ ही लिया होगा कि ज्वालामुखी वास्तव में क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, क्यों इनमें विस्फोट होता है और किस प्रकार ये ज्वालामुखी जलवायु परिवर्तन की गजब की क्षमता रखते हैं। अब मान लीजिए यदि ज्वालामुखी की यही क्षमता और प्रभाव कुछ हजार गुना से बढ़ जाए, तो सोचिए इस पृथ्वी का क्या होगा, हमारे पर्यावरण का क्या होगा और समूचे जीव जगत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं एक सुपर वॉल्केनो या एक महाज्वालामुखी की। एक सुपर वॉल्केनो क्षेत्रफल की दृष्टि से एक बहुत ही बड़ा ज्वालामुखी होता है, जिसके विस्फोट का वॉल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स VEI 8 होता है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड किया गया सर्वाधिक विस्फोट इंडेक्स है। जब किसी साधारण ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, तब वातावरण में लगभग 1 घन किलोमीटर इतना द्रव्यमान उत्सर्जित होता है, और जब उत्सर्जन की यह मात्रा 1000 घन किलोमीटर तक हो जाए, तब इसे एक सुपर वॉल्केनिक इरप्शन माना जाता है, और इस प्रकार के ज्वालामुखियों को सुपर वॉल्केनो या महाज्वालामुखी कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि यदि कभी निकट भविष्य में किसी सुपर वॉल्केनो में विस्फोट हुआ, तो उत्सर्जित पदार्थ की मात्रा साधारण विस्फोट से उत्सर्जित पदार्थ की मात्रा से 1000 गुना से भी अधिक होगी। इस महाविस्फोट के चलते पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा, जिसे कॉल्डेरा कहते हैं, इरप्ट होगा और 1000 गुना लावा, भूकंप और पायरोक्लास्टिक बहाव के कारण बड़े स्तर पर विनाश हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड की कई 1000 गुना बढ़ी हुई मात्रा ग्रीनहाउस प्रभाव को भी 1000 गुना बढ़ा देगी, जिसके परिणाम स्वरूप पहले तो पृथ्वी का तापमान बढ़ने से संपूर्ण ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगी और समुद्र स्तर बढ़ने के कारण सभी तटीय क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। दूसरी तरफ 1000 गुना बढ़े हुए सल्फेट एरोसॉल सूर्य विकिरण को परावर्तित करना शुरू कर देंगे, जिससे संपूर्ण पृथ्वी का तापमान काफी तेजी से घटने लगेगा और कुछ महीनों के अंदर ही पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फेयर में पहले से ही पहुंच चुकी ज्वालामुखीय राख पूरी पृथ्वी को ढक लेगी। ऐसे में सूर्य प्रकाश का भी पृथ्वी की सतह पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वो वनस्पतियां धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगी जो फोटोसिंथेसिस के लिए सूर्य प्रकाश पर निर्भर होती हैं, और फिर धीरे धीरे वो जीव जंतु भी नष्ट होने लगेंगे
जो उन वनस्पतियों पर आश्रित होते हैं। संपूर्ण भोजन चक्र पर इसका व्यापक और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन जो आज हम पृथ्वी पर देखते हैं धीरे धीरे विलुप्ति की ओर बढ़ने लगेगा। और जब ज्वालामुखीय राख छटना शुरू होगी, तब पहले से ही ठंडी हो चुकी पृथ्वी धीरे धीरे और ठंडी होगी और बर्फ की सफेद चादर ओढ़ते हुए एक बार फिर से हिमयुग की ओर बढ़ना शुरू कर देगी। अच्छी बात यह है कि अभी ये सभी सिर्फ वैज्ञानिक अनुमान मात्र ही है, जो कि अब तक के भूवैज्ञानिक शोधों और रिसर्च मॉडल के आधार पर व्यक्त किए गए हैं। हमारी पृथ्वी पर कुल मिलाकर अब तक ऐसे 12 से 20 ज्वालामुखी खोजे गए हैं जो कि सुपर वॉल्केनो की श्रेणी में आते हैं, और इनमें से प्रत्येक माउंट तंबोरा, जो अब तक का रिकॉर्ड सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, से 7 गुना से अधिक बड़ा है। नॉर्थ अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट में स्थित येलोस्टोन वॉल्केनो ऐसा ही एक सुपर वॉल्केनो है, जो संपूर्ण येलोस्टोन नेशनल पार्क में फैला हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे USGS से प्राप्त जानकारी के अनुसार येलोस्टोन सुपर वॉल्केनो इतिहास में कम से कम 3 बार 2 मिलियन वर्षों पूर्व महाविस्फोट हो चुका है, और भविष्य में भी इसमें विस्फोट होने से इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु कब इसकी भविष्यवाणी करना फिलहाल संभव नहीं है। फिलहाल ये ज्वालामुखी एक जिन की तरह किसी चिराग में सदियों से कैद हैं और अपने आजाद होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कब और कैसे ये कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तय है कि जब भी ये आजाद होंगे, पृथ्वी की भौगोलिक संरचना और इनमें निहित जीवन को बदल कर रख देंगे। इस एपिसोड में अब तक आपने जाना कि ज्वालामुखी वास्तव में क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, क्यों इनमें विस्फोट होता है, और किस प्रकार एक सुपर वॉल्केनो जलवायु परिवर्तन की गजब की क्षमता रखते हुए इस पृथ्वी को एक बार फिर से हिमयुग की सफेद चादर से ढकने में सक्षम होता है। इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में इसी तरह की कुछ मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ। मैं हूं गरिमा कौठेकर, और जुड़े रहिए फैक्ट क्रक्स के साथ।